रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने शुक्रवार को रेलवे स्टेशन परिसर के सभी प्लेटफार्मों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे की लॉन्ड्री रूम की व्यवस्था, शौचालय, पेंट्री रूम की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा मॉनिटरिंग रूम सहित प्लेटफार्म की साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल सहित संबंधित विभागों के कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने संबंधित अधिकारियों से आवश्यक पूछताछ की और उन्हें उचित दिशा निर्देश भी दिए। रेलवे प्लेटफार्म और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन प्लेटफार्म नंबर 1 पर स्थित एसी लॉन में अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां उन्होंने टीटीई रेलवे सुरक्षा बल के ऑफिसरों, गेटमैन, कुली व अन्य कर्मचारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं पर जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने कहा कि पहली बार गोरखपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान उन्हें सब कुछ सकारात्मक ही दिखाई दिया। इसके तो समस्या ही नहीं है। पावर काम कमर्शियल में तुम्हारी काम तो सिविल में जैसे हो रही है सर, कमर्शियल में क्या समस्या है? ब्लू फील की वजह से इसमें सर हो गया कोई हाथ या इसको मत हो गया हां सोलर मैंने पूरे हिंदुस्तान में कहीं एग्जीक्यूटिव कुछ कर दिया तो फर्क पड़ता है, काम करना तो अकाउंट बेट फुल बंद बनाओ
गया, हो गया बस करिए यात्रा है। पहले बजे थे तो अभी तो स्टेशन का निरीक्षण कर रहे हैं। स्टेशन में कई स्टाफ से डिफरेंट कैटेगरी स्टाफ से बात करी है, टीटी से, सफाई वालों से, गैंगमैन से, आरपीएफ वालों से, कुलियों से। तो रूटीन निरीक्षण है, बट जानने के लिए है कि यहाँ पे क्या कमियाँ हैं, क्या चीज़ें इम्प्रूव करी जा सकती हैं, क्या बढ़ावा दिया जा सकता है। स्टेशन की सफाई देख के काफ़ी प्रभावित हुआ। स्टेशन में जो काम चल रहे हैं, सेकेंड एंट्री की तरफ भी जो काम चल रहे हैं, सामने की तरफ जो काम किए गए, काफ़ी अच्छे काम किए गए और बहुत ही सुंदर का परफॉर्मेंस भी अच्छा परफॉर्मेंस है।